हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 7 के आरएस अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, जो जिस क्वेश्चन को बोल रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल्स इज, यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, स्क्वायर का डायगोनल्स को देके रखा हुआ है और हम लोगों को स्क्वायर का एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहला बात ये हो जाता है कि हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि एक स्क्वायर कैसा बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्या बना लेते हैं हम लोग, एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये हम लोग के सामने में क्या बन जाता है, ये हम लोग के सामने में एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर को हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्क्वायर मान लेते हैं। तो स्क्वायर में सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो सब साइड इसका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इतना बात समझ में आ जाता है ना। अब हम लोग डायगोनल किसको बोलते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो डायगोनल भी हम लोग चीनी बना देते हैं। तो स्क्वायर का दो डायगोनल होता है। ठीक है, ये रहा एक डायगोनल, ठीक है, और एक रहेगा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एक डायगोनल बन गया। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग के सामने में क्या आ जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, ये हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। ओके, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, किस समय, जब हम लोग को साइड दिया हुआ रहेगा स्क्वायर का उस समय। ठीक है, अगर हम लोगों को साइड नहीं दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ये डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ये हम लोग क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, दो दो फॉर्मूला हो गया, कब, जब साइड दिया रहेगा तब क्या होगा, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर बोल लेते हैं, और एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर कब होगा, जब ये हम लोग को डायगोनल्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इतना तो आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है डायगोनल्स। ठीक है ना, तो ये हम लोग को क्या देकर रखा हुआ है, डायगोनल, डायगोनल कितना देकर रखा हुआ है, 72 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पोर्शन हम लोग को 72 सेंटीमीटर दे करके रखा हुआ। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए तो अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, तो देखिएगा हाफ यहां से हाफ हो जाएगा इंटू डायगोनल, डायगोनल कितना है, 72 सेंटीमीटर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो बार इसको लिख लेते हैं, 2 टाइम्स हम लोग लिखेंगे ना, 72 इंटू 72, दिक्कत। अब चलिए इसको कैंसल आउट करते हैं, तो कैंसल आउट करने से ये कितना हो जाएगा, 36। तो हम लोग के सामने में फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 72 इंटू 36। चलिए तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इंटू कर लेते हैं। ठीक है, इंटू करेंगे तो कितना होगा, 72 इंटू 36, चलिए तो 6 दुना 12 हो जाता है, 7 6 42 और 1 43 43। ठीक है, चलिए तो 3 दुना 6 हो जाएगा यहाँ से, और 7 21 हो जाता है, तो ये हो गया 21, है ना। तो ये हम लोग कितना होगा, 2 21।
नाइन और ये फाइव और ये टू, ठीक है। तो हम लोग का जो फाइनली आंसर क्या निकल के आता है, यहाँ पे फाइनली आंसर हम लोग के सामने में निकल के आता है 2592 सेंटीमीटर, है ना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड में क्या देख रखा हुआ है, यहां पर भी हम लोगों को क्या देख रखा हुआ है, डायगोनल्स देख कर रखा हुआ है 2.4 मीटर। ये कितना मीटर देख रखा हुआ है, ये हम लोग को 2.4 यहां से मीटर दे करके रखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी डायगोनल्स करते हैं हम लोग ना। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर। चलिए तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू डायगोनल्स कितना है, 2.4 मीटर, तो 2.4 इंटू कितना हो जाएगा, 2.4। तो देखिए इसको जब कैंसल आउट कीजिएगा ना, ठीक है, तो 2 से जब इसको कैंसल आउट कीजिए तो कितना बन जाएगा, 1.2 इंटू कितना हो जाएगा, 2.4, यानी 12 है ना, 2 से डिवाइड कीजिए ना, तो सॉरी 24 है ना, तो 2 से डिवाइड करने से कितना बन जाता है, तो मालूम है ना सबको। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इंटू कर लेते हैं, यानी कि 24 और ये 12 को इंटू कर देते हैं, तो कितना होगा, 24 दुना 48 हो जाता है यहाँ से, और ये 24 एक 24, ठीक है। चलिए यहां से आ जाता है 8 और ये कितना हो जाएगा, 8 और ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग का फाइनली आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 288। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है ना, 1 2, तो हम लोग भी यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये सेंटीमीटर में फॉर्मूला निकल गया, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये किस में निकल गया, मीटर में, दिक्कत। चलिए अब तो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आंसर भी हम लोग निकाल दिए, और यहाँ पे दो दो फॉर्मूला को भी हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दो दो फॉर्मूला हम लोग के सामने है, गिवन गिवन क्या हो जाएगा यहां से, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां पे क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना है, 16,200 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये फाइंड आउट करने बोल रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो ये क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, डायगोनल, ठीक है। अभी हम लोग देखे हैं ना, जब डायगोनल्स का बात करेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला को लगाएंगे, डायगोनल्स वाले फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना देख रखा हुआ है, ये देख रखा हुआ है 16,200। ओके कौन सा फॉर्मूला लगाएगा है? अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, वो करेंगे हम लोग डायगोनल्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है डायगोनल्स वाला, हाफ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर, यहां तक ठीक ठाक है ना। चलिए अब क्या हो जाता है, यहां से डायगोनल्स इक्वल टू कितना होगा, ये 2 जाकर के इधर इंटू हो जाएगा, तो 2 × 162 00, ठीक है। चलिए डिटेल्स में हम बना रहे हैं, यहाँ पे कहीं पर भी एक भी स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 00 यहां से आ जाएगा ना, और यहां से 2 × 4 हो जाएगा यहां से, ठीक है, और ये कितना होगा, 16 × 32 32। चलिए अब ये डी यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट लग जाएगा, तो 32,400, ठीक है। ये कितना हम लोग के सामने में आ जाता है, ये आ जाता है, एक बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं ना कि 32,400 इसको हम निकाल के भी दिखा देते हैं, ठीक है, कैसे निकाला देखिएगा, ये हो जाता है 2 है ना, तो 2 × 1 = 2 और ये 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 00। चलिए यहां से 2 से फिर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8
यहाँ पे 100, फिर ये कितना से जाएगा, ये जाएगा 99 जा 81, फिर ये 00, कोई दिक्कत यहां तक। फिर ये 9 से जाएगा, 91 जा 9 00, ओके। फिर ये 2 से जाएगा, कितना होगा, 25 जा 10, ओके। फिर ये 2 से जाएगा, फिर कितना होगा, 2 5 जा 20, 2 2 जा 4, और ये 525, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 × 5। चलिए तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ये 324 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 18 का होता है, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पेयर बनाते हैं। देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या कर देते हम लोग, 2 × 2 × 2 × 2, ओके। अब कितना 9 है, यहाँ पे 9 है 2, ठीक है। चलिए 9 × 9, फिर कितना है, 5, कितना है 5, यहाँ पे 2 को 5, 5 × 5। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, कपल यानी कि डबल यानी कि पेयर। चलिए तो ये 1 पेयर हो गया, यहां से 1 पेयर हो गया, वहां से 1 पेयर होगा, वहां से 1 पेयर हो गया। तो 2 2 का पेयर से 1 2 निकल गया यहां से, ठीक है। ये 2 का पेयर से 1 2 निकल गया, यहां से 9 का पेयर से 1 9 निकल गया, और ये 5 का पेयर से 1 5 यहां से निकल गया, ठीक है। चलिए तो 2 2 जा 4 5 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20 × 9, तो डायगोनल हम लोगों को क्या निकल गया, डायगोनल इक्वल टू कितना निकल गया, 180, क्या है, मीटर में है ना। देखिए ये हम लोग का लेंथ ऑफ डायगोनल, ये हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत किसी को, अब बोलेगा कि आप डायगोनल्स वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोग को जो है डायगोनल्स को ही फाइंड आउट करने के लिए बोलना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने अंदाज में आ रहा है यहाँ पे। चलिए द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर। देखिए यहां पे क्या देख रखा हुआ है, सबसे पहली बात गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पे क्या देख रखा हुआ है, हाफ हेक्टेयर, और यहां से और क्या देख रखा हुआ है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, फाइंड क्या करना है हम लोग को, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलिए अब सीधा सा बात है, यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर देख रखा हुआ है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को देख रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए पूरा डिटेल्स में बना रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या देख रखा हुआ है, यहां पे देख रखा हुआ है हाफ हेक्टेयर, हाफ हेक्टेयर आई वसन में 1/2, और 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हेक्टेयर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10,000, ये हो जाएगा 10,000 आई वाज़न में, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हाफ हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, हाफ हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर, हाफ हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 5,000 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो हाफ हेक्टेयर में कितना होगा, 5,000 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो कौन वाला फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर में, इसको लगाएंगे हम लोग हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5,000। चलिए तो यहां से क्या होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा ना उधर, तो 2 × 5,000, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, d
स्क्वायर इक्वल टू 5 टू 10, ये बनेगा 10,000। कोई दिक्कत? यहां से डी स्क्वायर जाएगा उधर रूट लगेगा तो 10,000, ठीक है। तो ये डायगोनल कितना निकल का है? डबल, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 10,000 को लिख सकते हैं 100 × 100, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये पेयर बनाइए तो 100 ये निकल के आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना निकल के आ गया? लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आ गया? 100 मीटर, ठीक है। देखिए देखने से बहुत लंबा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है यार, बहुत डिटेल्स में हम लोग इसको समझे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे, तो क्या करना है? एक लाइक बनता है, ओके। और अगर कुछ सीखे हैं तो दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी जान पाएंगे, ठीक है। और अगर इसी तरीके का वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।